रुक, इस ढक्कन को निकालने दे, खाली देख देख देख, रुक जा हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो मैं अभी एक चीज दिखाने वाली हूँ आपको, प्लीज मेरे वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और वो वीडियो देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और हंसी भी आएगी आप लोगों को बहुत ज्यादा। तो मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप हमेशा ही अच्छे रहिएगा ताकि हमारे वीडियो आप लोग देखिएगा। तो हम उस वीडियो को दिखाते हैं आपको। एक कल से एक चूहे की आवाज आ रही है हमारे किचन में, जो कि एक आटा का कनस्ता है ना शायद उसके अंदर है। तो चलते हैं देखने, बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो दोस्तों अब तो ठंड भी पड़ गई है, थोड़े बहुत देख ही सकते हैं, मतलब ठंड भी आ ही गई है अब। और अभी फिलहाल में इतनी ज्यादा नहीं है, धूप निकल गई है, पर धुंध जो है ना बहुत ज्यादा हो रखा है। धुंध क्या पॉल्यूशन है वो, एक बार देखिए हम दिखाते हैं। और शांति रखिए, मैं वो चीज दिखाऊंगी जो मैं बोली हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो हमारे स्किप नहीं करेगा वीडियो को। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, मतलब सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का ये स्थिति है जो कि अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा है। देख सकते हैं आप, ये धुंध नहीं है क्योंकि ठंड ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ पॉल्यूशन वगैरह जो होते हैं ना, गाड़ी के धुआं वगैरह वो चीज है। देख सकते हैं अंधेरा दिख रहा है, बल्कि 9 बज रहा है दिन के, बाकी सूर्य भगवान तो निकल ही चुके हैं और धूप भी है ही थोड़ी बहुत, लेकिन आप देखो कैसे अंधेरा दिख रहा है। देख सकते हैं बाहर का नजारा, और हम फिलहाल अभी जो है ना खाना बना रहे हैं, किचन में अभी है और मुझे अभी खाना बनाना है जो कि मैं फेवरेट सब्जी अपने लड़के की बना रही हूँ, सब्जी आलू चने की और चावल, जो कि मेरे लड़का को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए बोला मम्मी बना दो, तो उसको बनाने लग रही हूँ। और अभी बाकी काम बहुत सारे करना ही है, मैंने सुबह अपने हस्बैंड जी को भेज दी थी ड्यूटी, तो गए हैं अपने ड्यूटी, तो फिर मैं काम में लग चुकी हूँ। ये हम किचन में आ गए, जो कि ये रखा हुआ है इसके अंदर है, जो कि कुछ आवाजें आ रही है, इसको हम छत की तरफ लेके चलेंगे, वहां पे इसको खोलेंगे हम चल के। रुक, इस ढक्कन को निकालने दे, खाली देख देख देख, रुक जा ओ रुक जा, कितना सुंदर लग, देख देख पूरा आटे में हो रखी है लाल पीला। चल ऊपर ले, चल ऊपर कर इसको, ऊपर कर, उठा ना दीवार पे रखना एक बार, आ जाओ खा इसको, देख ले अब गिरेगी बेटा, एक बार कर लो आंखों, गिरा ना, मैं नहीं कर रहा। ओ भाई ले, आ पूरे आटा खा लिए इसमें से ओ देखना अभी भी आटा खा रही है, कैसे तेज देखना सुनिए, देख कितना, हमारे चूहक महाराज की जय, गणेश जी की भगवान, पकड़ लेना इसको, पकड़ ना बेटा यार, चल मैं नीचे गिरा दूँ इसको, है? अरे कहीं मर जाएगी तो चूहा, ओ मर जाएगी तब क्या हुआ, ले आ। और मैंने कल वीडियो डाली थी, बहुत अच्छा वीडियो डाली थी, जो कि मैं, मेरी प्यारी सी डॉगी है उसके ऊपर मैंने ब्लॉग बनाई थी और वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा खासा वो चल रहा है, बहुत बढ़िया ही चल रहा है, मतलब माने जाए तो आप लोग उस ब्लॉग को भी जाके देखिए, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग है, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है वो। और ये देखिए हमने झाड़ू लगा दिए और हमारे मक्खी भगवान झाड़ू लगा रखे हैं, उसके बीच में ये घूमने लग रहे हैं मक्खी जी। हेलो मक्की जी, कैसे हो आप, ये देखिए जूम करके दिखा दी, कितने बड़े लिवर है, ओ भाई देखो, आजा मक्की तू भी आजा, रोटी खाएगी, देखो ओ मजा आ रहा है ना, देखो कितने अच्छे हैं, जूम कर रखे तो कितने बड़े लग रहे हो आप, ये वो कुछ खा रही है मक्खी, कुछ ले रखी है वो, ये देखो ओहो उड़ जा जल्दी, उड़ने की ना है, और गई ना इस पे आके बैठ गई, देखो इस पे आके बैठी है ये, दिख भी नहीं रहा। तो दोस्तों मैं छोटे छोटे ब्लॉग बना के आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अकेली बनाती हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आसपास में भी कोई नहीं रहता है, तो ब्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के सबसे छुपा के बनाना मुश्किल है। तो अभी मैं जा रही हूँ, खाना बनाना है मुझे, क्योंकि अभी सब्जी वगैरह छौंक लगानी है, मेरा लड़का ट्यूशन जाने वाला है, तो इसलिए
एक चीज आपको दिखाऊं, एक देखिए कबूतर कैसे खंभे पे बैठे हुए हैं, बिजली के खंभा पे, देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ओ भाई सिकूर रखे बिल्कुल, इसको ठंड लग रही है बेचारे को, ये देखो, ये देखो कैसे बैठ रखी है, सिकूर के बैठ रखी है। और बगल में देखिए हमारे इंडिया का झंडा, उधर भी इंडिया का झंडा देख सकते हैं, जय हिंद वंदे मातरम। और ये हमारे कबूतर महाराज जी बैठे हुए हैं खंभे पे, जो कि धूप के मजे ले रहे हैं, ये इसको ठंड लग रही है इसीलिए। ये देखिए मैंने पूरा जूम करके दिखा दिया, देखिए देखिए खुजल कर रही है, देखिए आप लोगों ने, ये हमारे पड़ोस की छत है, उधर देख सकते हैं फूल के गमला भी है, देखो ये देखिए कितना दीवार पे रख रखे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, सफ़ेद है, वाइट फूल है उसमें। मैं बना भी रही हूँ और सबको देख रही हूँ, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ क्या ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, यही छोटा सा ब्लॉग मैं शूट करके आप तक दिखाना था। और आपके इस वीडियो में जो है, जो मैं वीडियो बनाए हैं उसमें हर पॉइंट अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो देखिए अंदर चलती हूँ, देख सकते हैं आप पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, ये देखिए पूरा बिस्तर वगैरह नीचे ऊपर सारे ऐसे पड़ा हुआ है, तो बहुत अभी काम करना है मुझे, ये देखिए। तो फिलहाल मैं अब जो है ना काम कर लेती हूँ, और अभी खाना वगैरह बनाना है और बच्चे को भेजना वगैरह है, तो मैं लेट करूँगी तो मुझे भी लेट होगा ज़्यादा, फिर लेट खाती हूँ तो सबकी डांटे पड़ती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर दूँ और थोड़ी बहुत ऐसे ब्लॉग वगैरह शूट कर लेती हूँ जब कोई नहीं होता है, मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं तो इसलिए। तो चलिए मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर देती हूँ वीडियो को। ले ले और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, आइए छोटे छोटे ब्लॉग ही बनाने का मुझे मौका मिलता है तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि किसी के सामने मुझे जाना नहीं पड़ता, कोई सुन ना ले, कोई घर वाले ना देख ले, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी होती है ज़्यादा। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए, तो आप लोग प्लीज़ हमें ज़्यादा सपोर्ट करिए और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा, हो सकता है मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग ला के आप लोग तक पहुँचाऊँगी।